INDIA अलायंस की पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता भावी पीएम बने, लेकिन ये अभी भी तय नहीं है कि INDIA गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में कौन चेहरा है। हालांकि राहुल गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसी प्रमुख हस्तियों की दौड़ में होने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अलग ही पोस्टर गेम चल रहा है। दरअसल लखनऊ में वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को देश के अगले प्रधानमंत्री और प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में दिखाए जाने वाले पोस्टर सामने आए हैं। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए। इससे पहले 23 अक्टूबर को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी लखनऊ में सपा पार्टी मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में दिखाए जाने वाले कई पोस्टर भी लगाए गए थे। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की ओर से तमाम तरह के नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। तो वहीं अब इस पोस्टर की जंग में खुद को सुपीरियर दिखाने की होड़ ने यूपी की राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस INDIA अलायंस की मुख्य घटक दलों में से एक है, और फिलहाल इन दोनों ही दलों ने पोस्टर के जरिए अपने आप को खुद ही भावी पीएम बनने का टैग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहरहाल कांग्रेस और सपा के होर्डिंग पोस्टर लखनऊ में चर्चाओं में है। तो वहीं हालिया दिनों में कांग्रेस से लड़ाई के बाद सपा और कांग्रेस की सियासी जंग ने पोस्टर वॉर का रूप ले लिया है। हालांकि अब दोनों ही विपक्षी दलों के इस नए पैतरे से INDIA गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रमुख खबरें आप तक समय से पहुंच पाएं।